आज तीन ऐसी समर ड्रिंक बनाने जा रहे हैं जो कि गर्मी में आपका मूड रिफ्रेश कर देंगी। और सबसे अच्छी बात पता क्या है, इसको बनाने में कोई खास तामझाम नहीं लगता है। तो पेश है आपके सामने वर्जिन मोहितो के तीन शानदार वर्जन। तो चलिए शुरू करते हैं फाइव स्टार होटल जैसी ड्रिंक बनाने के लिए। कैसे हो मेरे स्वाद के मित्रों, मैं शैबूपी आपका स्वागत करता हूँ अपनी ऑनर्स किचन में। सबसे पहले नींबू के चंक्स काट लेते हैं। नींबू के चंक्स क्यों काटते हैं, नींबू जूस से ही काम क्यों नहीं चलता है? क्योंकि जो बाहर का लेमन राइंड होता है, इसका जो फ्लेवर होता है ना, वो बहुत ही गज़ब का आता है। इसके अंदर हल्की हल्की सी जो स्मेल आती है ना नींबू के छिलके की, बहुत ही गज़ब आती है। एक पूरा नींबू मैंने काट लिया है यहाँ पे, और नींबू का जूस भी निकाल लेंगे तो एक नींबू का जूस हो जाएगा। और गार्निश करने के लिए लेमन की स्लाइस, इस बचे हुए को भी काट के रख लेते हैं, काम आ जाएगा, कुछ भी नहीं फेंकना है। चलिए कटिंग हो गई, और यहाँ पे इस तरह से कट लगाना है ऐसे करके, तो इस तरह से टिक जाएगा गिलास में। तो सबसे पहले नींबू के कुछ टुकड़े डाल देते हैं इसके अंदर, पुदीने की पत्तियाँ। कई बार गलती क्या करते हैं कि पुदीने को पीस के डाल देते हैं, पुदीना पीस के नहीं डाला जाता है। अब पुदीने को पीस के डालेंगे तो बहुत तेज़ फ्लेवर आ जाएगा, चटनी जैसा फ्लेवर हो जाएगा। इतना तेज़ फ्लेवर नहीं चाहिए, पुदीने का फ्लेवर आना चाहिए लेकिन कम आना चाहिए। तो लगभग 15 से 20 मैंने पुदीने की पत्तियाँ डाल दी हैं। इसकी जो हल्की सी बिटरनेस होती है ना, वो बहुत गजब की लगती है। दो चीज़ें पहले डाल दी हमने, मंडला रहे तो बहुत अच्छी बात है, वरना बेलन से भी काम हो सकता है। ऐसे करके इसको इस तरह से दबाया जाता है, नींबू का जूस भी निकल रहा है, पुदीने का फ्लेवर भी आ रहा है, नींबू के छिलके का भी फ्लेवर आ रहा है। अब डालेंगे पीसी हुई चीनी, तो इतने बड़े गिलास में लगभग 2 छोटे चम्मच बहुत रहेगा। पोलो का इस्तेमाल कर रहा हूँ, वैसे इसके अंदर एक सिरप डलता है, वो सिरप लेने से अच्छा है कि आप कोई भी पेपरमिंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने पोलो का इस्तेमाल किया है, पेपरमिंट भी मिलता है, तो उसका बनाना है इस तरह से पाउडर। ये पाउडर बना दिया मैंने, ये हल्का सा हम आधी छोटी चम्मच डाल देंगे इसके अंदर, बहुत गजब का फ्लेवर आएगा, लोग समझ नहीं पाएंगे कि आपने बनाया कैसे और क्या क्या डाला। काला नमक ऑप्शनल है, हल्का सा डालेंगे, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, 2 चुटकी के आसपास। एक नींबू का जूस, यहाँ पर मैंने बर्फ़ क्रश करके रखी हुई है, आप चाहें तो क्यूब भी डाल सकते हैं लेकिन क्रश बहुत अच्छी रहती है। तो 2-3 चम्मच डाल देंगे इसमें, आधे से ज़्यादा बर्फ़ से भर देंगे इसको, ये देखिए इतनी बर्फ़ आती है इसमें। सोडा का इस्तेमाल कर रहा हूँ, प्लेन सोडा, कोई सा भी सोडा ले सकते हैं आप। कभी भी सोडा डालते हैं ऊपर से नहीं डालते हैं, ऊपर से डालेंगे बहुत ज़्यादा झाग बनता है, साइड से डालते हैं ऐसे करके, झाग कम बनता है, बाहर नहीं आता एक बार से। ये मैंने सोडा से टॉपअप कर दिया है, अब इसको एक बार मिक्स कर लेंगे, जिससे जो नीचे अटक रखा है ना वो सब ऊपर आ जाएगा और फ्लेवर पूरे में आ जाएगा। वाह, अब लग रहा है कुछ जैसे कोई होटल में है। और यहाँ पे लेमन स्लाइस, होटल जैसा फील देने के लिए थोड़ा सा पुदीना, और ये लीजिए डन हो गई हमारी एक ड्रिंक वर्जिन मोहितो। अब बना रहे हैं वाटरमेलन मोहितो। एक नींबू सबसे पहले चॉप किया हुआ डाल देते हैं, मिंट की कुछ पत्तियाँ, लगभग 8 से 10, पिसी हुई चीनी लगभग 1.5 छोटा चम्मच, क्योंकि वाटरमेलन जा रहा है इसमें, उसका भी मिठास होती है। काला नमक 2 पिंच, पेपर मिंट का पाउडर 1/2 छोटा चम्मच। ये वाटरमेलन तरबूज मैंने काटा हुआ है, इसके बीज मैंने निकाल दिए हैं, छोटे छोटे काट लिया है इसको, तो थोड़ा बहुत लगभग इसमें डाल देते हैं, थोड़ा सा गार्निश के लिए बचा लेंगे हम। अब इसको एक बार मडल कर लेंगे, जिससे वाटरमेलन का जूस निकल जाएगा, नींबू का जूस निकलेगा, मिंट का फ्लेवर आ जाएगा। क्रश आइस टॉप कर देंगे, भर देंगे इसको बिल्कुल प्लेन सोडा, एक बार इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, लग रहा है ना किसी 5-स्टार होटल के अंदर आपको मिल रहा हूँ। बहुत ही रिफ्रेशिंग ड्रिंक है ये, पीते ही मज़ा आ जाता है, दिल खुश हो जाता है। थोड़ा टॉपिंग कर देंगे वाटरमेलन से, देखने में सुंदर लगेगा। और ये रही लेमन स्लाइस, कैसा फील आ रहा है आपको बताइए, लग रहा है ना शानदार वाला। अब बना रहे हैं हम वर्जिन मोहितो लेकिन स्प्राइट डाल के। तो सबसे पहले नींबू के टुकड़े 15-20, पुदीने की पत्तियाँ, चीनी का इस्तेमाल इसमें नहीं होगा क्योंकि स्प्राइट में ऑलरेडी चीनी होती है, 2 चुटकी काला नमक ऑप्शनल है, पोलो या फिर पेपरमिंट का पाउडर 1/2 छोटा चम्मच। एक बार इसको मडल कर लेंगे, आज देखिए पतला वाला बेलन कैसे काम आ रहा है। क्रश आइस से टॉप अप कर लेंगे इसको, आइस बहुत जाती है इसके अंदर, आइस कम मत रखना। अब स्प्राइट डालेंगे इसके अंदर, टॉप अप करेंगे, सोडे की जगह आप स्प्राइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चीनी कम करें या फिर ना डालें, मिक्स कर लीजिए इसको। और ये लीजिए एक शानदार ड्रिंक और रेडी हो गई। आप चाहें तो दूसरा कोई फ्लेवर भी ऐड कर सकते हैं, जैसे आप इसमें ऑरेंज भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये लीजिए रेडी। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी जरूर बताएं, अच्छी लगी तो लाइक करें, और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ में, जय हिंद दोस्तों।